फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एसआर की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य की गिरफ्तारी के साथ भंडाफोड़ किया। स्पेशल सेल के डीसीपी आलोक कुमार ने मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करते बताया कि स्पेशल सेल की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार सिंडिकेट के उसके प्रमुख सदस्य की गिरफ्तारी के साथ भंडाफोड़ किया है, जिसके कब्जे से आज अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी पिछले एक साल में दिल्ली और यूपी में 40 से ज्यादा पिस्टल सप्लाई कर चुका है। आगे डीसीपी ने बताया कि स्पेशल सेल के एसआर के पास एक सूचना थी कि दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर और कट्टर अपराधी कुछ अंतर्राज्यीय हथियार आपूर्तिकर्ताओं से अत्याधुनिक अग्निअस्त्र खरीद रहे हैं। निरंतर प्रयासों के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय बंदूक सिंडिकेट के कुछ सदस्यों की पहचान की गई और उनका पता लगाया गया और 23 नवंबर 2023 को विशेष जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस सिंडिकेट के एक सदस्य जिसका नाम सोनू है, वो एमपी के एक हथियार आपूर्तिकर्ता से हथियार और गोला बारूद की खेप इकट्ठी की थी और वह दिल्ली के धोला कुआं में बस स्टॉप के पास पहुंचेगा, जिसके बाद इस गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के धोला कुआं में बस स्टॉप के पास एक जाल बिछाया गया और हथियार तस्कर जिसका नाम सोनू है उसको लगभग दोपहर के 3:20 पर उसे पकड़ लिया। उसके कब्जे से 10 जिंदा कारतूस और 8 पिस्टल बरामद की हैं। आगे डीसीपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई गई थी जो कि इंस्पेक्टर करमबीर सिंह के नेतृत्व में बनी थी। इस टीम में इंस्पेक्टर पवन कुमार, इंस्पेक्टर जितेंद्र थे जो कि एसीपी वेद प्रकाश के निर्देश पर यह टीम बनाई गई थी और आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी सोनू, जिसकी उम्र 38 वर्ष, पुत्र धर्मपाल, निवासी हापुड़ उत्तर प्रदेश का है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 8 अवैध पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद की है। बहरहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।